नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुना नगर के हुड्डा सेक्टर 17 की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से सरेआम सुबह सुबह दिन के वक्त जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप सभी को जानकारी दे दें, परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था और आकर देखता है तो ये जो छेद आप लोग देख रहे हैं, ये जो छोटी खिड़की टूटी हुई आप लोग देख रहे हैं, इसमें से बताया ये जा रहा है कि कुछ चोर अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, घर का ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं, ताला नहीं खुल पाता तो एक व्यक्ति जो है इसके अंदर से घुसकर गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद जो है अंदर पड़ा सारा सामान ले जाता है। आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये टूटियाँ जो हैं उनके द्वारा उतारी गई हैं। ये टूटियों का ढेर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर की इन्होंने टूटियाँ उतार ली गई है। वो तो गरिमत ये रही कि आसपास के लोगों ने खुड़का देखा और इसकी जानकारी जब घर के मालिक को दी तो वो आनन फानन में वो चोर जो है रफू चक्कर हो गए, लेकिन टूटियाँ खोल कर उन्होंने सारा सामान ले जाने का जो प्रयास किया था वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल हुआ। लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि इनके घर से काफ़ी सारा पीतल का जो सामान था, जो घर में पीतल का सामान हुआ करता था, वो ले गए। गरिमत तो ये रही कि आसपास के लोग सतर्क हुए और आप लोग देख सकते हैं कि घर के वॉशरूम्स की सारी टूटियाँ जो हैं ले ली गई थी। जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। दो दंपत्ति इस घर में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो दंपत्ति व्यक्ति हैं वो इस घर में रहते हैं और बुज़ुर्ग हैं, दवाई के कार्य से घर से बाहर गए थे। जब आकर देखते हैं तो चोर इस छोटे से दरवाजे से, जी हाँ, इस छोटी सी खिड़की के दरवाजे से निकलते हैं और निकलने के बाद इस पूरी चोरी की वारदात को जो है अंजाम देते हैं। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश चौहान। कमलेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कुछ? अरे बेटे, बड़ा नुकसान फरार हो चुके हैं। क्या कुछ? आप गए? पीतल के बर्तन थे, सारे सब ले गए। सब ले गए? आप कहाँ गए हुए थे? बस तो अंकल जी 3-4 दिन पहले। अच्छा, मैं गया 4-5 दिन पहले आया था। तो आंटी, अंकल जी क्या नाम है आपका? जबर सिंह चौहान। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था अंकल? पूरी वारदात क्या कुछ हुई थी? पूरी इसके 15 तारीख को सुबह 3 बजे फोन आया फ्रंट से, जी फ्रंट पड़ोसी से, कि आपके घर में जनानियाँ घुसी हुई हैं। अच्छा, तो और आप आ जाओ। हमने 3 बजे आया, 4:15 बजे 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने देखा कि आप वो तो उनसे उलझ रहे जनानी से, मीन वाइल उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं उठाया आपका, हैं वो तो, और भाग खड़ी हुई यहाँ से। सर, आखिरकार घर में कैसे घुसे वो लोग? हाँ, ये छोटी खिड़की तोड़, ये छोटी ग्रिल तोड़ के मेन उसमें मेन हॉल में और मेन हॉल में घुसे और टूंटियां वगैरह साफ की यहाँ से, और कहीं ना कहीं दरवाजा खोलकर और अपने व्यक्तियों को। हाँ, दरवाजा एक वो। सर, ये थोड़ी टूंटियां बज गई, गरिमत ये रही कि शोर मच गया था तभी ये बज गई हैं। हाँ जी, ये शोर मच गया, वो आगे वो छोड़ के भाग गए फिर। अच्छा, हाँ ये तोड़ गए। हम तो जब घर में कोई आए तो तुम पानी क्यों पी रही, क्यों खोला गेट? वो इतने ऊपर से नीचे आया तो वो जो जितनी थी ना सब वही छोड़ दिया आंगन में बाहर, सारी टूटियां उतार। मतलब कि इरादा तो अंकल ये था कि पूरी सारी टूटियां ले जाते आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले जाना था। ये बंद ही थी, ये तो हमने देखा। क्या कुछ सामान जो है आपका लेकर फरार हुए हैं चोर? देखो, टूटियां तो सारी तोड़ के यहाँ स्टोर कर दी उन्होंने, कुछ जो ठीक लगी वो ले, इनमें ले भी गए। हाँ, हम इतना गिनती भी नहीं हो सकती अब तो। हाँ। इतनी गिनती इतनी पड़ी है। और हमारा पीतल का जो सामान था बड़ा छोटा, उन्होंने कोई नहीं कसर छोड़ दी उसको। एक एक कीमत होगी कोई 70-80 किलो। तो बाल्टियाँ बड़ी बड़ी 5-5 किलो की होंगी पीतल की, पहले टाइम की परात कम से कम भी 1.5 क्विंटल पीतल थी। अंकल, क्या कुछ कहेंगे? इतने पॉश एरिया में आप लोग रहते हैं और इस तरह की चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, क्या कुछ लगता है आपको? ये तो अब वो तो रेकी करते हैं, अब कौन उनके साथ है, कितने ये औरत का तो काम नहीं है, दो औरतों का। अच्छा, दो औरतों का वो औरतों का काम नहीं है उनके साथ, जितने ग्रिल तोड़ी, ये तोड़ी, ये ग्रिल तोड़ी। अच्छा, ये ऊपर दरवाजा तोड़ा, ये भी ग्रिल उन्होंने तोड़ी है, रसोई की ग्रिल देखिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। ये दरवाजा टूटा नहीं उनसे,
ये बीच वाला दरवाजा टूटा नहीं, उन्होंने फिर बिल्डिंग यहाँ से तोड़ के ऊपर गए। अच्छा ऊपर भी गए सीढ़ी, ऊपर ही तो नाश करा सारा। अच्छा ऊपर भी बहुत नुकसान कर दिया आपका। तो ये देख सकते हैं आप कि ये ग्रिल तोड़कर जो है ऊपर भी वो गए हैं और इनके हजारों पता नहीं लाखों रुपए का जो है सामान जो घर में था, टूटिया थी, पराते थी, पीतल का सामान था, वो इनका चोरी कर कर रफू चक्कर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा जो है गरिमत ये रही कि आसपास के लोगों ने इनको दिखाई। जी खुला नहीं है जी, कोई नहीं है तो उस ग्रिल से ऊपर गए जी, तो ऊपर भी सारा नुकसान करके गए। तो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वॉश बेसिन तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वॉश बेसिन के नीचे का सारा सामान, वॉशरूम की टॉयलेट्स और सब सारा सामान जो है तोड़कर चले गए। देखिए कि टूटियां लगी हुई थी घर में और सारी टूटियां जो है तोड़कर चले गए हैं बुजुर्ग दंपत्ति। पीतल का पाइप भी तोड़ दिया सारा, बिल्कुल सारा तोड़ दिया। देखो कैसा सारा बक्सा भी सारा तोड़ दिया। ये तो तुमने बक्सा वहां देखा है, मतलब कि हर कोई सामान तसल्ली। अंकल कितनी देर का काम लगता है? कम से कम 3-4 घंटे लगे होंगे। नहीं जी, ये तो एक दिन के 1.5 दिन का काम है। छुपे रहे हम, हाँ वो यहाँ छुपे रहे जी। हाँ, तो आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग दंपत्ति इस घर में रहता था और इनका सारा सामान जो है चोरी कर कर चोर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं और दिक्कतें बहुत हैं कहीं ना कहीं। चोर उचक्के लुटेरों के हौसले 7वें आसमान पर है। जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा था शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आप सभी को जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पहले गेट नहीं खुला तो खिड़की से आने की कोशिश करी। खिड़की भी इतनी पतली, लगभग 1.5 से 2 फुट की खिड़की थी जिसमें से वो व्यक्ति जो है एंटर करते हैं और उसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए दोबारे वो खिड़की तोड़ते हैं और घर से टूटियां चोरी कर लेते हैं, टूटियां कुछ चोरी कर पाते हैं। और उसके बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि पीतल का सामान है, लाखों रुपए का पीतल का सामान था घर में रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं रात को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और जब इस ये लोग आसपास के देखते हैं खुड़का करते हैं और पुलिस प्रशासन अभी तक मौन बैठा हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। 4 दिन बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद फिर भी 1 हफ्ते तक कोई भी इनका संज्ञान नहीं लिया जाता। हुड्डा थाने का ये मामला है। जो भी देख रहा था वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।